यूपी से बड़ी खबर है आज की। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर। आज से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं में करीब 59 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा 75 जिलों में 8753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा, तो ये आपको बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं 12वीं की जो छात्र हैं वो आज से बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 59 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में 75 जिलों में 8753 परीक्षा केंद्र भी बना दिए गए हैं। हर केंद्र पर चौकसी है, कड़ी निगरानी है, ताकि किसी तरीके की नकल जो है यहाँ पर ना चल पाए और नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए यहाँ पर इस बार प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि किसी भी तरीके से नकल यहां पर ना हो पाए, नकल विहीन ये परीक्षाएं हो, पारदर्शी तरीके से पूरी ये परीक्षाएं हो। कड़ी सुरक्षा के बीच 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है उत्तर प्रदेश में भी आज से शुरू हो रही है। जिलों में तकरीबन 8000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर खास और विशेष निगरानी रखी गई है, क्योंकि आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जो साल भर मेहनत की है उस मेहनत का नतीजा यहीं से निकलेगा। और ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परीक्षा में खास क्या होगा, टैम्पर प्रूफ लिफाफों में पैकेजिंग होगी परीक्षा में। इसके अलावा सभी दरवाजे खिड़कियां सील किए जाएंगे। 170 बंदी भी देंगे परीक्षा आज से। और एसटीएफ और एलआईयू सक्रिय है। उत्तर पुस्तिकाओं पर क्यूआर कोड बाकायदा होगा। डबल लॉक अलमारी में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। नकल कराने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। 75 जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। सिलाई युक्त पेपर की व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम तैयारियां हैं और ये तैयारियां इसलिए ताकि किसी भी तरीके से नकल यहां पर ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो फिर सबसे पहले बात यही आती है कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा नकल एग्जाम्स में होती है। लेकिन हाल फिलहाल में योगी सरकार की कोशिश यही अब रही है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं जो हैं वो नकल विहीन हो, यानी कि नकल बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया कि अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर एनएसए के तहत कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर हमारे साथ बने हैं, मयूर के पास सीधे चलते हैं। मयूर, आज से उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 10वीं और 12वीं की, और सख्ती कितनी है तो साफ नजर आ रहा है। जरा आप भी बताएं कितने बजे से एग्जाम शुरू है और क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि निकल विहीन ये परीक्षाएं हो पाए, किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो। ना बिल्कुल, देखिए सीएम ने पहले ही सख्त निर्देश दे दिए कि किसी तरीके से ये जो है पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा हो, नकल विहीन परीक्षा हो, और उसको लेके सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुबह 8 बजे से जो हाई स्कूल की परीक्षा है वो शुरू होगी। लखनऊ का इस्लामिया कॉलेज है हजरतगंज में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर लाइन अभी से जो परीक्षार्थी हैं लगभग 58 लाख से ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में परीक्षार्थी हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं। और अब इंतज़ार है गेट खुलने का और लगभग 3.25 घंटे की ये परीक्षा होगी। 8 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक परीक्षा ये चलेगी और सभी सबके जो रोल नंबर है वो बाहर चस्पा कर दिए गए हैं। आधा घंटा पहले एंट्रेंस शुरू हो जाएगा, यानी कि 7:30 बजे से एंट्री शुरू होगी। 8 बजे जो है एंट्री यहाँ पर बिल्कुल। मयूर सर, इनसे बातचीत भी कीजिएगा, एग्जाम देने के लिए बच्चे पहुंचे, कितनी तैयारियां इनकी आज के लिए है, आज के एग्जाम के लिए। बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पे परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? मुफेट मॉडल पब्लिक स्कूल। तो क्या क्या तैयारी इस बार एग्जामिनेशंस की? आप तैयारी तो अच्छी चल रही है। अच्छा, ये जो इस बार सिक्योरिटी इतनी ज्यादा रखी गई है कि किसी तरीके से नकल वगैरह ना हो, इसको किस तरीके से? हाँ, सही रखी गई है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, उनको नुकसान होता है अगर नकल? नहीं, उनको नुकसान क्यों होगा, तो पढ़ के पास ही हो जाएंगे। नहीं, अगर नकल होती है तो जो और बच्चे होते हैं, आप कहाँ से हैं? सिटी स्टेशन से। सिटी स्टेशन बहुत खुश नजर आ रहे हैं परीक्षा को लेके? जी। क्या क्या तैयारी है इस बार? लेखक परिचय सब पढ़ लिया है। ये तमाम परीक्षार्थी हैं तो काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। और पिछले बार क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो है वो लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षार्थियों में निराशा थी। बिल्कुल, तो लखनऊ में तो कम से कम तैयारियां पुख्ता तौर पर नजर आ रही हैं। मयूर अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और विनय के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आप किस सेंटर पर मौजूद हैं, वहां भी क्या छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या अपडेट्स वहां से?
बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और 150,000 छात्र यहां आज शामिल होंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं और 12वीं के, और इसके लिए 220 सेंटर गोरखपुर में बनाए गए हैं और नकलविहीन परीक्षा के लिए जो है 20 उड़ाका दल की टीमें बनाई गई हैं। उसके साथ ही 20-20 विद्यालयों का जो CCTV देखने का जो नोडल सेंटर है वो बनाया गया है। नकलविहीन परीक्षा कराने की पूरी तैयारी, यहाँ कल ही DM से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी है। और अभी हम रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज पे हैं। देखिए 8 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, आज हिंदी की परीक्षा होनी है, लेकिन जो छात्रों का हुजूम है वो अभी से ही उमड़ पड़ा है। छात्र अभी से ही पहुंच चुके हैं और छात्रों का हुजूम पहुंच चुका है और ये आज हिंदी की परीक्षा, इसलिए छात्रों में काफ़ी उत्साहित भी हैं। आज पहली बार वो बोर्ड की परीक्षा देने आए हैं 10वीं की, तो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि उत्साह बरकरार है, उत्साह बना भी रहना चाहिए और जाहिर है पूरे साल मेहनत की है तो मेहनत आज नजर आएगी। हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी बने, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। अतीक भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, अतीक का भी रुक कर लेते हैं। अतीक, कैसी व्यवस्थाएं हैं और अगर कोशिश हो पाए तो जरा छात्रों से ही बात करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं उन्हें नजर आ रही है, कैसी प्रिपरेशन आज के लिए है। देखिए व्यवस्थाओं की बात करें तो सुबह से ही जो छात्र हैं वो स्कूल के बाहर सेंटर पर खड़े हो गए हैं। लखनऊ का योगानंद इंटर कॉलेज है जहां पर छात्राओं का सेंटर पड़ा है और जो हाईस्कूल का पहला एग्जाम है आज यहां सुबह से छात्र मौजूद है। अभी तक एंट्री नहीं मिल रही है बच्चों को, क्योंकि 7:30 बजे एंट्री मिलेगी, 8 बजे से जो है वो एग्जाम होगा यूपी बोर्ड का। और नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या छात्रों से बात करते हैं, क्या नाम बेटा आपका है? पायल मिश्रा। किस एग्जाम आपका आज है? आज मैं हिंदी का एग्जाम है। अच्छा, क्या डर लग रहा है आपको? ठीक है अतीक, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और कन्हैया के पास चलते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, आप जिस सेंटर पर मौजूद है वहाँ छात्र भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करवाइए, कैसी तैयारियां हैं? देखिए छात्र पहुंच रहे हैं और एग्जाम शुरू होने में थोड़ा समय है क्योंकि अभी एंट्री लेनी है और यहाँ पर छात्र अपने जो सिटिंग लेवल है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको बैठना है, किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर बैठ के यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं देखनी है, क्योंकि जिस एग्जाम को लेकर काफी पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है। क्या नाम है आपका? अच्छा, पहले बार एग्जाम दे रहे हैं, कैसी फीलिंग है, कैसी तैयारी है आप लोगों की? अच्छी तैयारी है। व्यवस्थाएं कैसी है प्रशासन और पुलिस की, व्यवस्थाएं यहाँ पर सेंटरों पे कैसी व्यवस्थाएं की गई है? अभी तो हम अंदर गए नहीं है, पता नहीं किसमें। अभी अंदर नहीं गए। क्या नाम है आपको? क्या नाम है? एग्जाम दे रहे हो, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है? अच्छा लग रहा है, तैयारी पूरी है एग्जाम की? तैयार। देखिए छात्र भी काफी उत्साहित है क्योंकि पहला पेपर बोर्ड का इन लोगों का है, हाईस्कूल का एग्जाम है, तो छात्र भी काफी उत्साहित है। और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्योंकि संवेदनशील और संवेदनशील सेंटर बनाए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था रखी गई है और इसमें LIU और SPF की टीमें भी अलर्ट पर रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार कई एग्जामों को लीक होने की बात सामने आई थी तो SPF और LIU की टीमें भी जिला स्तर पर अलर्ट मोड पर रखी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया।